इधर अपनी कबड्डी चल रही है, इधर अपना वॉलीबॉल, ये कौन सा है? ये तो शूटिंग बॉल है ना? गाइस यार भाई आज कॉलेज आ चुका और आपने देखा होगा ये हाफ स्लीव पहन रखी है। मतलब क्या हो गया भाई, मेरी जो थी ना वो पुरानी जो मतलब कल पहन रखी थी उसके अंदर क्या हुआ, वो जो है ना इधर से फट गई। मतलब ये काक के इधर नहीं होता, इधर से फट गई और कोहनी से फट गई थी। तो फिर घर पे एक वो पड़ी थी पुरानी, तो मैं सोचा कि वो पहन जाते हैं, क्या अगर दूसरी पहन के आते तो फिर सर वगैरह डांटते कि दूसरी भी पहने, तो आज ये पहन के आया। तो अब मिलते हैं बाद में। ओए यार अभी जो है ना हमको वेडनेसडे को जाना था, कहाँ ट्रेन में जाना था, बाहर जाना था, राजस्थान है आउट ऑफ राजस्थान है भाई। भाई पूछ लो उनसे, पूछ के आओ। सीपीआर के ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, जो ये कह रहा आउट ऑफ राजस्थान है, तो मेरे को शक है। वो ये तो कह रहे आउट ऑफ राजस्थान है, आउट ऑफ राजस्थान हो गया, आउट ऑफ एसएमएस में होगा वो, स्वयं सिंह हॉस्पिटल में होगा भाई, आउट ऑफ राजस्थान नहीं है। तो जो है ना अभी हमारा जो है ना नाम कैंसिल कर दिया, क्योंकि हमने बताया नहीं है वो। तो अभी हम जाएंगे डीन सर के पास, जो भी है सर के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे। तो अभी जो आपको चम मिल चाट रहे है, क्यों चाट रहे भाई? इग्नोर दिस टाइप ऑफ पीपल, इग्नोर करो इन जैसे इंसानों को। है ये चटवाता है ये चटवाता है केडी, ये चटवाता है ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, दिखाओ दिखाओ भाई, क्या कर दिया, पानी पानी फैला दिया भाई इन्होंने। हाँ 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 डाल दो पानी डाल दो, समीर के ऊपर डाल दो जी, क्या हो रहा है भाई। अरे बैंड की आँख, आईटी में हुई बारिश, क्लासें कर दी गिल्ली भाई, ये छींटे देख सकते हो किसने मारे हैं, ये दोनों इन दोनों ने निला दिया हमारे प्रोजेक्टर को, निला दिया इन दोनों ने। ये दोनों क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हो तुम दोनों हैं भाई, समझा यार कुछ समझा भाई कुछ भाई, कब है सारा है पर ये सारा तो किसी और को दे दिया आपने, हाँ खून तो अपना ही है, सही बात, खून होता है। तो गाइस यार ये जो है ना हमारे बीजू की सीढ़ियां है जिससे अपन जो ऊपर चढ़ के आ सकते हैं, ये रैंप होते हैं, हाँ रैंप सीढ़ियां वो है जो सामने की तरफ है, ये समझ आ चुके हैं हमें, क्योंकि अब हमारे जो है लैब वैब कुछ भी नहीं होगी। हमने सोचा था नहीं बोला हमने सोचा था कि क्लास होगी, पर अब जो है हमारी क्लास हो नहीं रही है, तो अब हम जाएंगे सीधे घर, उससे पहले करेंगे हम लंच। तो लव यू शर्मा जी, तो रुक जा क्यों इसके पास, देखो के पास क्यों ज्यादा शान है, क्यों इसमें नहीं वो पता नहीं, बता दो इसमें नहीं, वो पता नहीं, बता दे दो यार, मैं डालूंगा नहीं मतलब बताएगा नहीं हमें विश्वास, ये तो शर्माते हैं, ये आप तो बताए थे सब कुछ, रितेश शर्मा भी बताया था, ये समीर भी बताया था, तो बता दो सही। जी के रूम पे आया था पार्टी करी थी, वही है ना भाई, ये वही है जिसके हाथ उस दिन किंग फिशर का कहना था वो, ये सब प्रूफ है भाई, पी भी रहा था ये रितेश शर्मा बता रहे, पी भी रहा था और ये सिगरेट पी रहा था भाई, देख सकते हो शक्ल दिखा भाई, सिगरेट ऐसे तो तू बहुत फूकता है, ये देख सकते हो भाई, हाँ ये वही है समीर खान, वो तो फूक रहा था भाई, सब दिख रहा है वो लो के अंदर सिगरेट भी, तो जैसे मैंने कैमरा किया वैसे हट गया। हमारा वाटर कूलर कौन से फ्लोर पे है, लेकिन गिन के बता जल्दी, थर्ड फ्लोर, एक थर्ड फ्लोर पे वाटर कूलर और एक फर्स्ट फ्लोर पे और एक थर्ड फ्लोर पे और एक बाहर है। तो भाई इसको खोल रखा भी इन्होंने, मेंटेनेंस चल रही होगी पता नहीं भाई, बंद करो तू, बंद कर भाई, खोल इसको कुछ भी पहले। तो अभी जो है ठंडा पानी आ रहा है, तो अभी पानी पियेंगे और चलेंगे इधर। अभी हम जो है ना जा रहे हैं ऑडिटोरियम में, तो देखते हैं हम ऑडिटोरियम में जा पाते हैं या नहीं। रैम के ऊपर भाई पीछे मत हटो, भाई पूछते चल गए थे ऑडिटोरियम के, पूरी ठंडी हवा भी खा ली थी, पर भाई ये आदमी को ज्यादा मतलब ध्यान लगाने की जरूरत है, ये होता कि हम फार्मेसी डिपार्टमेंट के हैं और भाई वैसे ही धक्के मार के नाम तो वैसे वो है बदनाम, ना वैसे बदनाम हुआ और बदनाम कर दिया मैंने, क्या मतलब है। चले एक तांत्रिक विद्या चल रही है, एक मुर्दा लाश पड़ी है, उसके ऊपर जो है टोटका करा जा रहा है, है ना टोटका करा जा रहा है, तो आपको दिखाते हैं अब तांत्रिक विद्या, काला जादू टोटका जिसको कहते हैं। तुम्हें
तो उसी के साथ में आपको दिखाते हैं, गाड़ी खड़ी यहाँ पर बगल में। और ये हमारे दोनों जो है तांत्रिक विद्या सीखते हुए, ये हमारे समीर खान ने मुंडी नीचे कर लिए, शकल दिखाइए ढंग से सर, शर्माता क्यों है तो यार नाटक करता है। जो है हमारी तांत्रिक विद्या चल रही है, पर हम जो है अब निकल चुके हैं कहाँ पर है? कैंटीन की तरफ। और वहाँ पर जो है ये पिलाएंगे रितेश जी स्प्राइट या कोको कोला या फिर भी जो है लोगों धन्यवाद करूँगा। मतलब गर्ल्स हॉस्टल के बाहर जो है इतना मतलब सही पानी आ रहा है पीने लायक, मतलब ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, आप आराम से पी सकते हो, जुकाम वगैरह नहीं होगा। एंटीकोड क्या होती है उसकी दवा, कफ की दवा होती है। तो गाइस यार समीर जी ने एक चीज बताई, आजा मतलब आपको अगर कफ वफ हो जाए तो आप एंटी कोल्ड ले सकते हो, क्योंकि ये मेडिकल पे काम करते हैं, हमें तो इतनी नॉलेज है नहीं। आप आ जाना मेरे मेडिकल पे, आप आ जाना इनके मेडिकल पे आदर्श नगर। तो अब यहाँ से हम रवाना होते हैं। ये जो है ना ये हमारे विजू में पता नहीं, सो टी पोस्ट बोलते हैं क्या है? हाँ, शायद टी पोस्ट। ये गोल गोल सी मिट्टी की बनी हुई सी कुटिया है, तो हमें पता नहीं है क्या है। तो ये समीर बोल बता रहा है कि इसको टी पोस्ट बोलते हैं, या तो वो है गुफा या फिर या गुफा या टी पोस्ट है। तो अब इधर चल के आते हैं, आज तो देख अंदर खाड़ा चल रहा है पर बहुत सारा। ये समीर ने हमें अंदर घुसवा दिया, तो जो बच्चों को खाना मिलता है छोटे छोटे उनके साथ में ही, जो भाई ऐसे थोड़ी करना होता पागल, खाना पड़े जब तू उसके अंदर घुसवा रहा है। कंटेंट के लिए गए थे जो है हमारे समीर ने दो आइसक्रीम ले ली है, और इसके पैसे दे रहे हैं हमारे रितेश जी और मेरे को भैया इलाके दिए दिए ये नींबू मिनट मेड 20 के। आप 20 की इसकी एक्सपायरी चेक करेगा समीर, एक्सपायरी चेक कर। और ये देखो ये रितेश जी ने पैसे दे दिए। तो गाइस इधर पहले हमारा जो है ना ये नींबू वाली इसलिए लिए, पहले मेरे को पीनी थी कौन सी स्प्राइट माउंटेन ड्यू, पिता पर कुछ था नहीं तो मूड ठंडा करने के लिए पी लिया स्प्राइट, कल पी थी हमने। तो आज मैं सोचा माउंटेन ड्यू या मरिंडा पी लेते हैं, पर था नहीं तो ये ट्राई कर दी। तो अब चलते हैं हम, तो अब हम जा रहे हैं 20 की नींबू वाली लेके और 2 20 की आइसक्रीम लेके इधर कैंटीन से बाहर। तो अब डोली के ऊपर बैठेंगे, बता गाइस इसके अंदर पन्नी है आइसक्रीम के पन्नी। तो गाइस यार ये कह रहे हैं कि इसके बाद चॉकलेट बनी हुई है और क्या क्या, और बादाम बने हुए हैं और बादाम बने हुए और ये किशमिश वगैरह है, तो ये मिलती है इसके अंदर यानी। तो अभी समीर खोल रहा है आपके सामने, चल फटाफट खोल दे। और ये तेजी का कोई घर से फोन आ गया, तो गाइस धोखा हो गया, धोखा अंदर बादाम और किशमिश नहीं मिली अंदर, बता आइसक्रीम भी फूटी हुई देती गाइस, अरे फूटी हुई नहीं है बर्फ है शायद, बर्फ जम गई यार, आइसक्रीम भी फूटी हुई देती। अब रितेश जी खोल रहे हैं, बादाम किशमिश चेक कर है या नहीं भाई, बनी हुई है दोनों के दोनों, खा के बताओ जल्दी की बादाम किशमिश है ना। अभी क्या लिखा है, मिनट मेड नींबू फ्रेश, तो पीते हैं देखते हैं फ्रेश होते हैं नहीं। इन्होंने कहा था कि आइसक्रीम ले ले पर मैंने ही नहीं ली यार, टेस्ट कैसा आइसक्रीम का, बढ़िया आइसक्रीम टेस्ट कैसा है, है? बादाम किशमिश बादाम किशमिश है क्या, बादाम किशमिश नहीं है मतलब फेंकते हो। तो गाइस यार आइसक्रीम में बादाम किशमिश नहीं है पर टेस्ट सही है, 20 रुपए के हिसाब से, 20 तो नहीं 10 रुपए के हिसाब से कहेंगे सही चीज है। इसको 2.5 रेटिंग देंगे हमारे समीर जी, आप कितनी रेटिंग दोगे, 3 देंगे और मैं इसका दूंगा 5 में से 10 रेटिंग। इतनी भाई मतलब नींबू भी नहीं निचोड़ रखा इन्होंने, पता नहीं क्या दे दिया भाई ये, मेरे से पिया भी नहीं जा रहा, जबरदस्ती पी रहा हूँ मैं कसम से यार, पैसे वेस्ट हो गए हमारी तेज जी के इसलिए पीनी पड़ रही है फिर से, कसम से बता रहा हूँ यार। मतलब जो बंदा इसको लेने की सोच रहा हो ना मिनट में नींबू फ्रेश, बहन भाई गाली वाली तो क्या दूँ भाई, मतलब कतई मत लेना भाई, इतनी रद्दी टेस्ट है ना इसका भाई, मतलब पिया भी नहीं जा रहा, इतना पिया ना भाई आधा भी नहीं पिया वो भी जबरदस्ती पिया है, तो भाई मत लेना इसको, 20 रुपए लगाओगे तो मतलब खराब ही, इससे बढ़िया कुछ भी ले लेना माजा साजा और कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक। तो अब हम चल रहे हैं, अब हम घर की तरफ चल रहे हैं। आपको क्या खुफिया रास्ता, एक खुफिया रास्ता मतलब कोई बताया नहीं होगा, दिखाती है रास्ता जाता कहाँ है, इस गुफा में कचरा ही कचरा पड़ा है। अरे भाई ये तो लाइब्रेरी को निकल गया है। तो गाइस यार ये जो है ना हमारी लाइब्रेरी है, तो गाइस यार ये जो है ना लाइब्रेरी, इधर से आप कॉपी पुस्तक ले सकते हो
और ये रास्ता था ऊपर से नीचे। तो ये भाई आ रहे हैं हमारे दोस्त लोग, ये हमारे को एक एक प्रैक्टिकल बुक दिलाएंगे तीनों को। तो गाइस यार ये खड़ा अपना मोटिया मोटिया, और आप जो है ना मतलब आपको ये रास्ता कहाँ से बताऊँ, जो ये है नहीं क्या, ये शिवम भैया की लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी अरे लाइब्रेरी नहीं, ये दुकान जो है शॉप, इसके जो है इधर बगल में दिखेगा, दुकान से मिलेगा आपको क्या क्या चीजें मिल जाएगी। किस दुकान से? ये पीछे जो है रिकॉर्ड मिल जाएंगे, असाइनमेंट मतलब यार अपने लैब वैब का सामान सारा मिल जाएगा, और पेन वैन तो सब कुछ मिल ही जाएंगे। सेंटर फ्रेश भी मिलती है, इसने खिलाई ना। तो अब जा रहे हैं हम घर की तरफ, तब चलो चलो इसको क्या करोगे, मतलब इतनी केयर करता है तो इसकी मैच देखने का, पर अब घर पे जाने का टाइम हो गया ना, तो आपको एक झलक दिखा देते हैं। ये इधर जो है कबड्डी का मैच चल रहा है, इधर अपनी कबड्डी चल रही है, इधर अपना वॉलीबॉल, ये कौन सा है, ये तो शूटिंग बॉल है ना, ये शूटिंग है ना, शूटिंग कौन शूटिंग, ये वाला शूटिंग थोड़ी तो है, शूटिंग है ये है वॉलीबॉल, इनकी बॉल तो शूटिंग वाली है, बॉल इनके यहाँ शूटिंग वाली, देख लेना ये हमारा वॉलीबॉल का मैच चल रहा है। ये देखो देखो शूटिंग बॉल आ गई, बोरी शूटिंग बॉल है ना, शूटिंग बॉल है ये, इधर शूटिंग बॉल से खेल रहे हैं, और उधर की तरफ चल रहा है हमारा क्रिकेट है ना, बॉक्स क्रिकेट, उधर की तरफ चल रहा है बॉक्स क्रिकेट, तो वो भी दिखाते हैं। आउट हो गए हैं, तेज जी जा रहे हैं घर, ये अपनी बाइक लेके जाएंगे, मतलब ये अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं, रवि जी जो कि बीसी में है ना, वो बीसी है क्या, साइबर सिक्योरिटी, बीसी साइबर सिक्योरिटी, मतलब साइबर सिक्योरिटी मतलब क्या चीज है साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी होता है जिसमें वो थी ना हैकिंग कर लेते हैं किसी के पैसे लूट लिए अकाउंट से। अच्छा तो उसकी सिक्योर करना मतलब एक तरह से, हाँ किसी कंपनी का डाटा सिक्योर, किसी कंपनी का डाटा सिक्योर करना। तो ये उनके साथ में जाएंगे और मैं जाऊँगा मेरी पल्सर पे। तो अब आपको मिलते हैं घर पे जाके, देख सकते हो आप हमारी पार्किंग, और ये खड़ी अपनी बाइक AH8465 पल्सर NS। तो अब चलते हैं घर, मैं जो है ना घर पे आ चुका हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 1:14, मतलब मैं 11 पता नहीं, मैं 12 बज के कुछ पे निकला था और 1:14 पे घर पे आ चुका हूँ। तो अब जा रहा हूँ अंदर यार, आज भी जो है मेरा भाई लगा हुआ है कुंडली निकालने। तो भाई इधर देख सकते हो ऊपर मतलब मास्क वाला लगा रखा है, तो भाई ये मास्क इसलिए लगाया, एलर्जी हो जाती है ना, एलर्जेंस वगैरह। अभी क्या हुआ, भाई ने डीओ और तेल लगा लिया, तो मतलब मेरे नाक में क्या होता है तेल और डीओ लगा देते हैं ना, तो अजीब सा होता है ऐसे, मतलब ठीक क्या लग जाती है, जुकाम सा होता है, जैसे एलर्जेंस घुसने की वजह से नहीं हो जाता क्या वैसा। तो अभी हो गया वो, तो मैं सोचा कि आपको बता दूँ, तो जिसके एलर्जी होती है वो डीओ यो से दूर है। तो अब मिलते हैं, थोड़ी ड्रेस दिखाता हूँ, नई ड्रेस भाई, अमीर जादो की ड्रेस, हाँ भाई अमीर जादो की ड्रेस, पीछे लिखा डोनालो, क्या पीछे लिखा डोनालो,